गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आसमा ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की खिचड़ी। ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी होती है, आप एक बार ज़रूर बनाइए। सिंपल एंड इजी रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कांदा, टमाटर, कोथमीर, मिर्ची और मूंग दाल की खिचड़ी सिंपल है। ये मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जीरा, रायदाना, लाल मिर्ची सूखी और हींग। तेल को गर्म कर दिया है पैन में एंड सारे साबुत मसाले मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। थोड़ी देर कुक होने के बाद हम तुरंत इसमें शामिल करेंगे कटे हुए बारीक कांदा, सौते करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों और झटपट बन भी जाती है मूंग दाल। अगर आपने रात में खिचड़ी बनाया तो ये सुबह उठ के भी आप बना सकते हैं। ये मेरी जो मूंग दाल की खिचड़ी है, मैंने एक कप मूंग दाल लिया है और सेम क्वांटिटी में मैंने राइस लिया है और पानी डाल के मैंने उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। नमक शामिल करेंगे क्योंकि मैंने मूंग दाल की खिचड़ी में भी नमक डाला था जब वो कुक हो रही थी, तो मैंने आधा चम्मच ही इसमें नमक डाला है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। सो, जब आपको दोस्तों कुछ बनाने का दिल ना हो और रात की बची हुई खिचड़ी है तो आप आफ्टरनून में ये लंच प्रिपेयर करके खा सकते हैं। बच्चों को खिलाइए, मिर्ची अपने हिसाब से डालिए तो बच्चे भी खा सकते हैं और मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी पसंद है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, इसे सौते करेंगे और लिड को थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे टमाटर गलने के लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई बारीक स्प्लिट की हुई चिली। चिली कम डालिए, मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे स्पाइसी चाहिए था। और लिड को कर देंगे थोड़ी देर के लिए कवर। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, आप पेस्ट के बजाय आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे पास अदरक लहसुन नहीं थे, अभी पेस्ट अवेलेबल था तो मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। टमाटर ऑलमोस्ट मेरे गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, मैं 1 चम्मच भर के इसमें यूज़ करती हूँ शेजवान चटनी। सो, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। इससे खिचड़ी में एक अच्छा सा चटपटा टेस्ट आ जाता है। और बारीक कटा हुआ हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। अब हमें जो मूंग दाल हमारी है उसमें हम शामिल करेंगे पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर डाला है जी। अब सारे पाउडर मसालों को मूंग दाल खिचड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हमें इसमें शामिल करना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। कसूरी मेथी डालिए थोड़ी सी। अब हमें 1-1 चम्मच इसमें शामिल करना है खिचड़ी। जी हाँ, तो अब हम इसे खिचड़ी 1-1 चम्मच इसमें शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, फिर वो एकदम लिक्विड टाइप बन जाएगा। आधा कप ही डालना है आपको पानी इसमें। ये मेरी खिचड़ी 2 लोगों के लिए ही है, बच्चे नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने मिर्ची काफ़ी डाल दी है, मेरे बच्चों को स्पाइसी नहीं पसंद है। मैंने आधा कप ही पानी डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपको बस 1 से 2 मिनट ही इसे कुक करना है क्योंकि मूंग दाल की खिचड़ी ऑलरेडी पकी हुई है, सो उसे आपको ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। अब मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए भगाने के लिए, कांदा, मिर्ची एंड रायदाना, कड़ी पत्ता हो तो आप उसमें शामिल कर लीजिए, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो ये मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है दाल खिचड़ी। अब हम इसे लिड को कर देना है कवर और फ्लेम को कर देना है ऑफ। सो दोस्तों, अब हमने जो तड़के के लिए रेडी किया है उसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। और मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला था तो 1 लहसुन डाल देंगे और तड़का दे देंगे इसे। अब इसे तुरंत लिड को कर देना है कवर आपको, अदरवाइज तड़के की स्मेल पूरी बाहर चली जाएगी। अब 1 चम्मच भर के मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप भी देसी घी डालिए, उससे आपकी खिचड़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और
मज़ेदार हो जाएगी। तो लीजिए दोस्तों, मेरी रेसिपी हो गई है तैयार, मज़े से खाइए पापड़ अचार कचूमर के साथ, मैंने रायते के साथ सर्व किया है। मिलते हैं अगली रेसिपी में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।